हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूल बर्नर व्लॉग्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे और एकदम ठीक होंगे। तो अभी हमें डीसी ऑफिस के पास जम्मू में लोकेशन यहाँ पर अभी तो जाएंगे, अभी शॉर्ट सी राइड पे अम्फाले की तरफ। तो चलते मेरे साथ, बनाएंगे हम व्लॉग। और ये रहा मेरा छोटू मेरे पीछे एकदम रेडी मेरी तरह, तो निकलते हैं यहाँ से। गाइज अभी पहुंच चुके हम पिरकू, यहाँ से जाएंगे हम 35 से होते हुए, तो देखते हैं गाइज कहाँ के लिए जाएंगे हम। तो फिलहाल अभी काफ़ी सारे डंगर रास्ते पे। जम्मू के मौसम की बात करूँ, आज तो धीरे धीरे ठंड जो है, ठंड का लेवल बढ़ता जा रहा, ठंड आ चुकी है। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ की रोड की हालत तो देख ही सकते हैं आप इसको, ये मतलब मैं क्या ही तारीफ करूँ इस रोड की। ये देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे जो हैं 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए, 200 समथिंग हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से 250 सब्सक्राइबर भी करा देंगे मेरे इस वीडियो पे, 250 से ऊपर सब्सक्राइबर करा दोगे, होप सो। उम्मीद करता हूँ आपसे यही। तो गाइस अब स्कूटी में तेल भी नहीं है, देख सकते हैं आप, फ्यूल ऑन रिजर्व में है तेल। ओके, यहाँ से रोड तो काफ़ी लिंक, काफ़ी तंग रोड है, यहाँ से ट्रैफिक जैम्स वगैरह भी बहुत होते हैं, लेकिन ये रूट मुझे थोड़ा पास पड़ता है इसलिए यहाँ से आया मैं। बाकी रोड की कंडीशन देख रहे हो ना आप, मतलब मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है इस रोड की कंडीशन, ये देखिए। ये रहा ऊपर मुबारक मंडी का पैलेस, काफ़ी बड़ा लुक देता है यहाँ से, और मतलब हर साल ये टूटता ही जा रहा है, आई थिंक जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा अगर इसको बचाया ना गया तो। बाकी रोड के साथ क्या किया इन्होंने मैं कुछ बता नहीं सकता, देख ही रहे हैं आप। जाने वाले हैं कहाँ बताता हूँ आपको सब, तब तक बने रहे वीडियो में, क्योंकि पता तो चल ही जाएगा आपको लास्ट पे कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो चलते हैं जल्दी से, यहाँ से जो हवा है वो एकदम चेंज हो जाती है, काफ़ी ठंडी हवा आ जाती है यहाँ से, और यहाँ से देख सकते हैं आप रोंगटे खड़े हो गए मेरे ठंड के मारे से। ये जैसे भी खुदाई चल रही है यहाँ पर, खोदो खोदो अच्छे से, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है यहाँ पर। पहुंचने वाले हैं 35। ये रहा पुलिस स्टेशन बूट 35 का, यहाँ से हम जाएंगे राइट की तरफ, नीचे की तरफ, ये रोड सिधरा की तरफ भी जाता है। ये रोड तो काफी मस्त हो चुका है, देख ही रहे हैं आप। पहले तो फ्यूल और रिजर्व था, फ्यूल एम्प्टी हो चुका है, पता नहीं बीच रास्ते में धोखा दे देगी मेरे को लगता है, होप सो हमें धक्का ना लगाना पड़े। मुझे जो पेट्रोल पंप है घुमट वाला ज़्यादा पास पड़ता है, लेकिन वहाँ के जो पेट्रोल पंप है मतलब मेरे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है कि बंदा मैंने पेट्रोल डलवाया है, तो मतलब सीधी बात बोलूँ वहाँ से मुझे माइलेज अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए मैं वहाँ से पेट्रोल नहीं डलवाता हूँ। और काफ़ी बार कंप्लेंट भी आ चुकी है उस पेट्रोल पंप की, तो बेहतर है अपनी मतलब गाड़ी ख़राब होने से बेहतर है कि आप धक्का लगा के थोड़ा दूरी चला जाओ, लेकिन पेट्रोल जो है एकदम प्योर डालो, उससे आपकी एक तो इंजन की लाइफ भी बढ़िया रहेगी और गाड़ी आपकी माइलेज भी अच्छा खासा दे देगी।
लेकिन सर्दियों का एक फ़ायदा तो ज़रूर है भाई लोग आपको कि हीटिंग इशू बहुत कम रहता है। नहीं तो अगर गर्मियों में अगर इतना मैंने राइड किया होता जम्मू की गर्मियों में तो ये जो साले कम से कम 3 या 4 चढ़ चुके होते अभी तक। लेकिन सर्दियों का ये फ़ायदा अभी तक देखो भाई एक ही साल चढ़ा हुआ है। यहाँ से जाएंगे हम लेफ्ट, ये रहा सिद्रा का ब्रिज पीछे, यहाँ से चलते हैं हम आगे। हाईवे पे आ चुके हैं, आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ से मैं पेट्रोल भरा दूंगा इसको। एक नंबर रोड है भाई, देख रहे हो बहुत मजा आ रहा है। पेड़ भी बड़े हो चुके हैं देख रहे हो आप, जब स्टार्टिंग लगाए थे बहुत छोटे छोटे पेड़ थे लेकिन अब तो बहुत बड़े हो चुके हैं। इसकी इसका मतलब साइड लुक जो रोड का काफ़ी मस्त आता है इनकी वजह से, और साइड पे कभी कभी तो देख ही सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। आगे आने वाला एक छोटा सा टनल, नगर सीधा यहाँ से आगे उधमपुर नगरोटा अगर आपको जाना है तो यहाँ से आपको यू टर्न लेके वापस जाना पड़ेगा। श्रीनगर के लिए तो यही रोड है भाई, एक ही रोड। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है यहाँ पर, तो चलते हैं भरवाते हैं पेट्रोल। टू व्हीलर वेरी पावर फ्यूल, तो करा लिया है हमने अपना पेट्रोल फिल, 2 साल चढ़ गए। तो भाई लोग ढूंढना पड़ेगा अभी यू टर्न, क्योंकि अब हमें जाना है यहाँ से वापस। फाइनली गाइस यू टर्न मिल चुका है, आ गया जी। हाँ भाई साहब ये रहा हमारा यू टर्न, यहाँ से मुड़ेंगे हम पीछे। बहुत बढ़िया। तो गाइस हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं आगे का व्यू देखे गाइस, अगर आपको दिख रहा हो भाई लोग। पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर दरगाह पंज पीर के पास, देख सकते हैं हमारे पीछे अभी हम यहाँ पर हैं, और यहाँ से देख सकते हैं आप मेरे पीछे का व्यू क्या जबरदस्त व्यू है, पीछे से मतलब पूरा दिख रहा है यहाँ से जम्मू। दिखाता हूँ आप, ये देखिए यहाँ से व्यू क्या जबरदस्त आता है। ये बागी बहु रहा उस साइड और इस साइड मुबारक मंडी का पैलेस, और साथ में ही रहा ये हरी पैलेस। भाई लोग यहाँ पर मिला हमको एक बहुत ही स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, देख रहे हो पैरा कमांडो की ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो भाई लोग उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा था, और अगर कोई गलती लगे तो वो भी ज़रूर बताना। तो गाइस चलते हैं हम अपनी घर की तरफ, तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।
आगे भी व्लॉग आते रहेंगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। तो गुड बाय।